तो यहाँ तक हमने पढ़ा था वन जूल पर वन कूलम, यानी कि अगर एक जूल का एक कूलम चार्ज गुजारने के लिए किसी सर्किट में हमारा जो काम होता है वो वन जूल लगता है, तो हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहाँ पर 1 वोल्ट होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये बता दिया मैंने आपको। आगे हम एग्जाम्पल 12.2 करेंगे। हाउ मच वर्क इज़ डन, तो हमने क्यू निकालना है। वर्क डन जो होता है डब्ल्यू होता है, तो यहाँ पर फार्मूला लिखा था 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। तो अगर हमने 2 कूलम चार्ज को गुजारना है और उसमें जो डिफरेंस दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का दिया हुआ है, तो हमें पता है कि W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो V जो है हमारा 12 वोल्ट है, जो Q है चार्ज है वो 2 कूलम्ब है, तो हमने इसमें हाउ अमाउंट ऑफ Q चार्ज कितना गुजरेगा, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो Q इज इक्वल टू जो वर्क डन होगा वो हमने द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, वो दो दो कूलम है, तो वर्क डन जो होगा वो होगा वी इंटू क्यू, दैट मीन्स 12 इंटू 2, दैट मीन्स 24 जूल का वर्क डन होगा। तो ये है क्वेश्चन आंसर हैं, पेज नंबर 202 के हैं। तो ये भी मैं आपको भेजूंगा, रिटर्न भेज दूंगा। नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स इन मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए, तो कंडक्टर। तो कंडक्टर के जो दो एंड्स हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए, जैसे ये सर्किट था तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको बैटरी कहते हैं, इसका प्लस माइनस 2 सेल हैं, एक सेल 1.5 वोल्ट का होता है। तो ये जो है बैटरी है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है, जितनी देर तक बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, तो केमिकल एनर्जी पूरी की पूरी जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्टिंग हो जाती है तो तब जो सेल होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उतनी देर तक जिसमें से करंट चलता रहता है जितनी देर तक जो की है स्विच है जो वो ऑन पोजिशन में रहे। तो सर्किट में करंट को मेंटेन करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, बैटरी। दूसरा है वट इज़ मीन्ट बाई सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 1 वोल्ट, तो अगर हमें कोई पूछता है कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सर्किट में अगर 1 जूल का वर्क डन करना पड़े और 1 कूलम चार्ज उसमें से गुजरे तो उन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा अगर 1 जूल वर्क डन करने से उसमें से 1 कूलम चार्ज जो होगा करंट के रूप में गुजर जाएगा। तो हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, तो 6 वोल्ट के लिए तो V हमारा है 6 वोल्ट, तो कूलम चार्ज जो है वो है चार्ज जो है अपा हमारा क्या है Q, तो Q कूलम चार्ज है ये वाला फार्मूला है। तो V Q Q निकालना है, तो W वो वोल्टेज 6 वोल्ट दी हुई है, तो एक के लिए 6 इंटू Q 1 है, 1 कूलम चार्ज के लिए 6, तो 6 जूल का वर्क लगेगा हमारा, ठीक है। तो अगर हमने 6 वोल्ट के लिए कितने एक कूलम के लिए कितना हमारा वो वर्क डन लगेगा, तो 6 इंटू ये वाली जगह में V की जगह में 6 लेंगे, Q की जगह में 1, तो W इज इक्वल 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 जूल का वर्क डन होगा। आगे सर्किट डायग्राम, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं या कुछ भी लगते हैं चीज़ें लगती हैं उनके सर्किट डायग्राम के लिए सर्किट्स में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग सिंबल होते हैं, उसमें उसको मतलब रे डायग्राम बनाना पड़ता है। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 12.1, जो ये वाला सर्किट डायग्राम है, ये वाला जो
12.1 डायग्राम था एग्जांपल में, ये वाला है 12.1 का। उसमें एक स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब और एमीटर एंड प्लग की। तो ये की का सिंबल है, इसमें अगर ये पॉइंट नहीं लगा हुआ तो ये ऑफ पोजीशन में है। ये एरो करंट की डायरेक्शन को बताता है। ये सेल एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी, एक सेल जहाँ पर कंप्लीट होता है बड़ी डंडी छोटी डंडी में ला के एक सेल कंप्लीट होता है। ये दूसरा सेल है, यहाँ से इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव आपस में जुड़ा हुआ है। ये दोनों सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये बल्ब का सिंबल है और ये एमीटर का सिंबल है। एमीटर जो होता है सर्किट में सीरीज में लगता है और इसका सिंबल ऐसे गोल है और इसमें ए लिखा हुआ है। अगर इसमें वी लिखा है तो वो वोल्ट मीटर होता है, अगर ए लिखा है तो वो एमीटर होता है। तो करंट की जो मात्रा होती है वो एम्पियर होती है। इसलिए एक सर्किट में बताया गया है कि स्कीमेटिक डायग्राम उसकी बनानी पड़ती है, उसके कंपोनेंट्स उसमें लगते होते हैं। जैसे कंपोनेंट्स लगते हैं उसके हिसाब से सर्किट में हम दिखाते हैं। इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट आर प्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स कन्वीनियंटली यूज्ड। वो सिंबल सारे सारे दुनिया में वो होते हैं, तो जो कन्वेंशनल सिंबल हैं, कन्वेंशनल का मतलब जो काफ़ी देर से चले आ रहे हैं, साइंसदानों ने बनाए हैं। यूज टू प्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर शोन इन फिगर 12.1। तो आगे अगर हायर क्लासेस में आप इस इलेक्ट्रिसिटी के सब्जेक्ट को रखोगे तो आपको और भी बहुत सारे ऐसे सिंबल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सिंबल है वो है इलेक्ट्रिक सेल। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। तो सिंगल सेल जो होता है उसका ऐसा सिंबल है। बड़ी डंडी जो होती है वो पॉजिटिव के लिए, छोटी डंडी नेगेटिव के लिए। इसमें आपस में इतना इतना फासला नहीं रखना, इतना थोड़ा सा फासला रखना है। ऐसे एक सिंबल ऐसे बनाना है, इसको छोटा सा रखना है, इसको पास में रखना है। तो ये जो सेल हैं इसमें कम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, सीरीज में सेल जुड़ जाते हैं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है बढ़ जाता है, ऐड हो जाता है। और दूसरा है ये जो सिंबल है बैटरी का, बैटरी मींस कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो प्लग की ये वाली है और ये ऑफ पोजीशन में है और ये ऑन पोजीशन में है, ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। और ये वायर का जॉइंट है और यहाँ पर वायर जो है इसके ऊपर से गुजर रही है। ये क्रॉसिंग का मतलब है विदाउट ज्वाइनिंग है। तो ये बल्ब का सिंबल है, एक्चुअल बल्ब ऐसा है और इसको ऐसा भी ऐसा सिंबलिकली हम दिखाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब सर्किट के अंदर जो रुकावट होती है जो करंट को रोकती है। तो आगे इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो ये रेजिस्टेंस है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जैसे चेंजिंग रेजिस्टेंस है, जैसे रेडियो में या टीवी में वॉल्यूम होता है ऐसे घुमा के हम उसको चलाते हैं। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और जैसे रेगुलेटर मतलब पंखे का रेगुलेटर होता है वो टिक टिक से चलता है, जैसे घुमाने से चलता है। एम मीटर ये वाला मीटर है जो प्लस माइनस दोनों का, इधर प्लस है इधर माइनस है, यानी इसके दो टर्मिनल होते हैं, बीच में ए लिखा है। तो इसका मतलब ये एम्पियर मीटर है। इसके अंदर एक कॉइल होती है, कॉइल के साथ एक सुई लगी होती है और जो कॉइल होती है एक मैग्नेट के अंदर पड़ी होती है। तो जब हम कॉइल के दोनों सिरों पर करंट देते हैं तो जो सुई है वो उसके दिए गए करंट की मात्रा के अनुसार घूमती है और स्केल पर उतनी डिवीजन्स का हमें करंट की मात्रा दिखाती है। तो इसकी रेटिंग होती है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, इसलिए इसको सीरीज में लगाया जाता है। और ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर बीच में वी लिखा है। ये वोल्टेज मेजर करने के लिए के यूज आता है, ये करंट मेजर करने के लिए यूज आता है। तो यहाँ तक हम अपने पढ़ना है फिर से एक बार। ये बैटरी सेल, बैटरी ये दोनों स्विच हैं, ये दोनों कनेक्शंस हैं, ये लैंप है, ये रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के दो सिंबल हैं, ये एम्पियर मीटर है और ये वोल्ट मीटर है। ये सीरीज में लगता है, ये पैरेलल में लगता है। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे आज।